हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लोज टेस्ट, और ये क्लोज टेस्ट एसएससी सीजीएल 2017 टीयर 1 में पूछा गया है। तो इसकी मदद से आपको एक आइडिया लगेगा कि सीजीएल 2018 में किस तरीके से क्लोज टेस्ट आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, और किस तरीके से हम क्लोज टेस्ट को आसानी से एक्यूरेसी के साथ हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा। इंग्लिश एडवांटेज टीम की तरफ से एक रिजल्ट ओरिएंटेड, एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड टारगेट बैच लॉन्च किया गया है सीजीएल 2018 के लिए। इसको आप टीयर 1 के लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं एक्सक्लूसिवली, और टीयर 1, 2 और 3 के लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम इंग्लिश और जीके का पूरा कंटेंट आपको वीडियो क्लासेस के थ्रू देंगे, और इसको यदि आप सिंसियरिटी के साथ करते हैं तो 90% तक आप टीयर 1 और टीयर 2 में स्कोर कर सकते हैं। इसका डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसका डिटेल और प्राइस भी देख सकते हैं, वहाँ से ज्वाइन भी कर सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग इन नंबर्स पर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, आप यहाँ नीचे नंबर्स देख सकते हैं, इन नंबर्स पर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो ये है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लोज टेस्ट, और काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है क्लोज टेस्ट में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन में और पैराजम्बल में। और ये तीन ऐसे एलिमेंट हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन, पैराजम्बल और क्लोज टेस्ट, जिस पर आपका स्कोर काफ़ी हद तक डिपेंड करता है, क्योंकि ग्रामर काफ़ी स्टूडेंट कर लेते हैं, वोकेबलरी भी कर लेते हैं, लेकिन ये तीन चीज़ें जो हैं, ये तीन एलिमेंट ऐसे हैं जो आपका आपका सिलेक्शन जो है वो डिसाइड करते हैं एसएससी एग्ज़ाम में। तो इस क्लोज टेस्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसको एक्यूरेसी के साथ आप सॉल्व कर सकते हैं। और एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो बाकी के जो ऑप्शंस हैं उसको आपको एलिमिनेट करना है, ठीक है, और अपने आंसर को आपको जस्टिफाई करना है कि यही आंसर होगा, इसके अलावा कोई भी आंसर नहीं होगा। देखिए, यहाँ से पढ़ते हैं, अ मैन कैन बी फिजिकली विद इन स्टोन वॉल्स एंड आयरन बार्स। अब यदि इस वर्ड को हम देखें, देखिए किसी भी क्लोज टेस्ट को जैसे ही आप पढ़ते हैं तो उसको मिनिमम 50% आप पढ़िए, उसके बाद आप क्वेश्चन को आंसर करना शुरू करिए, उससे आपको एक आइडिया लगता है कि किस तरीके का पैसेज है और कहां पर कौन सा वर्ड इसमें आ सकता है। तो यहां तक हमने इसमें पढ़ा कि स्टोन वॉल्स और आयरन बार्स की इसमें बात हो रही है। आयरन बार्स हम किसको बोलते हैं? आयरन बार्स हम बोलते हैं जेल को। प्रिजन आपने देखा होगा, उसमें आयरन बार्स लगी रहती हैं, उसके अंदर जो कैदी रहते हैं वो बंद रहते हैं। तो यहाँ पर स्टोन वॉल्स और आयरन बार्स की बात हो रही है, ठीक है। हिज मूवमेंट एंड एक्शंस में दस बी हिज माइंड एंड स्प्रिट। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप पूरा पैसेज पढ़ें, यहाँ पर देखिए फ्रीडम फाइटर्स की बात हो रही है, यहाँ पर क्रुएलिटी ऑफ ब्रिटिशर्स की बात हो रही है, यहाँ पर ऑपरेशन एक वर्ड आया जिसका अर्थ होता है अत्याचार या दबाना, टायरेनी एक वर्ड आया है। तो इसको यदि आप पूरे पैसेज का सार निकालें तो इसका मतलब ये है कि इसमें हमारे जो हमारा जो मूवमेंट हुआ था 1947 का, मतलब जो हमारा जो आज़ादी का जो मूवमेंट हुआ था, उसमें ब्रिटिशर्स ने जो क्रुएलिटी की थी, और जो हमारे जो देशभक्त जो जो नौजवान थे, उन्होंने जो देश के लिए काम किया था, उसके बारे में इसमें बात हो रही है। एक्चुअली यदि आप सार इसका निकालें तो उसी के अकॉर्डिंग इसमें आपको ये सारे फिल आपको करना है ऑप्शंस। अब यहाँ से हम पढ़ते हैं, अ मैन कैन बी, देखिए इस वीडियो को आप पूरा देखना एंड तक, तभी आपको ये सारे ऑप्शन समझ में आएंगे और बहुत ज़्यादा इससे आपको फ़ायदा होगा। मैं एक एक चीज़ को बहुत डिटेल में इसमें आपको समझाऊंगा, और ये एक वीडियो आपके लिए 10 वीडियो के बराबर होगा। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको एंड तक देखें, बीच में स्किप ना करें। अ मैन कैन बी फिजिकली विद इन स्टोन वॉल्स एंड आयरन बार्स। अब आपके पास ऑप्शन क्या हैं? आपके पास ऑप्शंस हैं प्रीवेल्ड, जिसका अर्थ होता है जीतना या किसी चीज़ का लगातार जारी रहना, जैसे हम बोलते हैं द ट्रुथ प्रीवेल्स, मतलब अंत में सत्य की विजय होती है, द ट्रुथ प्रीवेल्स। प्रीवेंट का अर्थ होता है किसी भी एक्शन को रोकना, किसी भी काम को किसी व्यक्ति को करने से रोकना, प्रीवेंट, ठीक है, प्रीवेंट फ्रॉम एंटरिंग, मुझे रोकने, मुझे अंदर जाने से रोक दिया, प्रिवेंशन जैसे हम बोलते हैं, प्रिवेंशन, रोकथाम। कन्फाइंड, कन्फाइंड का मतलब होता है सीमित करना, और लिमिटेड का अर्थ भी होता है सीमित करना। अब देखिए, कन्फाइंड एक वर्ब है, और कन्फाइंड का जो नाउन फॉर्म होता है वो होता है कन्फाइनमेंट। आपने शायद ये वर्ड सुना होगा, कन्फाइनमेंट का अर्थ होता है कैद या जेल। तो चूंकि यहाँ पर हम स्टोन वॉल्स और आयरन बार्स की बात कर रहे हैं,
और कन्फाइंड का जो नाउन फॉर्म होता है वो जेल के इक्विवेलेंट होता है, दैट इज कन्फाइनमेंट। इसलिए यहाँ पर कन्फाइंड कहना मोर अप्रोप्रिएट होगा, मोर करेक्ट होगा। हालांकि आप प्रिवेंटेड भी लगा सकते हैं, लेकिन प्रिवेंट कहना उतना सही नहीं होगा, क्योंकि प्रिवेंट हम थोड़ा सा किसी व्यक्ति को कोई काम करने से रोकना या फिजिकली उसको रोकना, उस सेंस में हम यूज़ करते हैं। यहाँ हम एक कैदी को कैद करने की बात कर रहे हैं। अ मैन कैन बी फिजिकली कन्फाइंड विद इन स्टोन वॉल्स एंड आयरन बार्स। यहाँ पर चूंकि कैन बी लगा हुआ है तो कैन बी का मतलब है कि उसको फिजिकली कन्फाइंड किया जा सकता है किसी व्यक्ति के द्वारा, यानी ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है। तो इसमें एक लॉजिक और क्रिएट हुआ आपका यहाँ पर, कि यहाँ पर आपको केवल और केवल थर्ड फॉर्म ही वर्ब की लगाना है। तो यदि एग्ज़ाम में आपको कोई फर्स्ट फॉर्म मिलती है, हालांकि यहाँ पर सारी थर्ड फॉर्म लगी हैं, कोई फर्स्ट फॉर्म मिलती है या सेकेंड फॉर्म मिलती है वर्ब की, तो उसको आप तुरंत एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा कन्फाइंड, ठीक है, कन्फाइनमेंट जैसे एक वर्ड होता है। अ मैन कैन बी फिजिकली कन्फाइंड विद इन स्टोन वॉल्स एंड आयरन बार्स। एक व्यक्ति को स्टोन वॉल्स पत्थर की दीवारों के अंदर और आयरन बार्स के पीछे उसको कैद किया जा सकता है, उसको कन्फाइंड किया जा सकता है। हिज ऑफ मूवमेंट एंड एक्शन मे दस बी। अब सेकेंड में ऑप्शन देखते हैं, सेकेंड में क्या किसकी बात कर रहे हैं हम। अब यहाँ पर देखिए, बट हिज माइंड एंड स्पिरिट, यदि आप इसको पढ़ें तो इससे एक अंदाज़ा ये लगता है कि उसको कैद करके हम उसके फिजिकल एक्शंस को रोक सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए 172 में क्या ऑप्शन है, वॉन्ट है, फ्रीडम है, नेचर है और वे है। तो मूवमेंट एंड एक्शन, हम किस चीज़ के मूवमेंट एंड एक्शन को रोकते हैं यदि हम उसको कन्फाइन कर देते हैं, हम उसकी आज़ादी को रोकते हैं, ठीक है। हिज फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड एक्शन, उसके जो मूवमेंट और एक्शन है उसकी आज़ादी को हम कन्फाइन करते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका फ्रीडम। 172 में आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका फ्रीडम। यहाँ पर आपका आंसर होगा फ्रीडम और यहाँ पर आपका आंसर होगा कन्फाइनमेंट या कन्फाइंड, ठीक है। बाकी के ऑप्शन देखिए, वॉन्ट, नेचर और वे। हिज वे ऑफ मूवमेंट, उसके एक्शन करने का तरीका। हिज वॉन्ट ऑफ मूवमेंट एंड एक्शन, मतलब यहाँ पर वॉन्ट का मतलब होगा उसकी इच्छा, नेचर का मतलब उसकी प्रकृति। तो तीनों ही वर्ड इनअप्रोप्रिएट रहेंगे, फ्रीडम एकदम अप्रोप्रिएट रहेगा। हिज फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इन एक्शन मे दस बी। दस का अर्थ होता है इस तरीके से, उसको कन्फाइन करके इस तरीके से हम उसके फ्रीडम ऑफ मूवमेंट और एक्शन को क्या कर सकते हैं, हम उसको रोक सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या वर्ड आया है, मे दस बी। यहाँ पर देखिए क्या वर्ड है, एडजस्टेड और रिजेक्टेड तो आएंगे नहीं, क्योंकि एक्शन को हम रिजेक्ट नहीं करते, उसको एडजस्ट भी नहीं करते। इनमें से केवल दो वर्ड ही आएंगे, रिस्ट्रिक्टेड और प्रिवेंटेड, ठीक है। अब प्रिवेंटेड और रिस्ट्रिक्टेड में से रिस्ट्रिक्टेड जो वर्ड है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। रिस्ट्रिक्टेड का अर्थ होता है कि किसी एक पर्टिकुलर स्थान पर उसको रोक देना, प्रिवेंट का अर्थ होता है जनरल सेंस में रोक देना, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड का अर्थ होता है वहीं पर उसको रिस्ट्रिक्ट कर देना, उससे आगे नहीं बढ़ देना। जैसे यहाँ पर मैंने किसी व्यक्ति को रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो वो यहाँ पर ही रुक जाएगा, इससे आगे वो नहीं बढ़ेगा। तो उस सेंस में हम रिस्ट्रिक्ट वर्ड का यूज़ करते हैं, उसको प्रतिबंधित कर देना, उसको सीमित कर देना। तो चूंकि यहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, एक जेल में उसको हम रिस्ट्रिक्ट करने की बात कर रहे हैं, रोकने की बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कहना बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा रिस्ट्रिक्ट। बट हिज माइंड एंड स्पिरिट विल रिमेन फ्री, ठीक है। यदि आप किसी व्यक्ति को फिजिकली आप उसको कैद कर देते हो, कन्फाइन कर देते हो, लेकिन उसका माइंड है, उसकी आत्मा है, उसके विचार हैं, वो तो फ्री रहेंगे, उसको आप कैद थोड़ी कर पाओगे। तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर चूंकि एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो रहा है बट के थ्रू, कि आप फिजिकली तो आपने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, लेकिन उसके माइंड और स्पिरिट को आप कैद नहीं कर पाएंगे, वो फ्री ही रहेगा, वो तब भी फ्री रहेगा। तो यहाँ पर एक तब भी का इक्विवेलेंट वर्ड चाहिए, और तब भी का इक्विवेलेंट वर्ड होगा स्टिल, ठीक है। बट हिज माइंड एंड स्पिरिट विल स्टिल रिमेन फ्री, इस तरीके से इनको भरा जाता है क्लोज टेस्ट को। हिज होप्स एंड, अब देखिए यहां पर आपको चूंकि होप्स एंड के साथ जुड़ा हुआ है, और इसके साथ हम आइडियल और एम्बिशंस की भी बात कर रहे हैं, तो होप्स, आइडियल और एम्बिशन का इक्विवेलेंट वर्ड यहां पर आपको चाहिए।
कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए, चूंकि चारों वर्ड एक ही सेंस में हम यूज कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर आपको होप्स का इक्विवेलेंट वर्ड आपको चाहिए 175 में। तो होप्स का इक्विवेलेंट वर्ड जो है वो होता है एस्पिरेशंस। एट्रीब्यूट का अर्थ होता है गुण, किसी व्यक्ति के जो गुण होते हैं उसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। अचीवमेंट किसी चीज की प्राप्ति, और नीड्स मतलब उसकी जरूरतें। तो यहाँ हम नीड्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम होप्स एंड एस्पिरेशंस। जैसे हम बोलते हैं व्हाट डू यू एस्पायर टू बी, ठीक है, क्या बनने की अपेक्षा रखते हैं, आपकी उम्मीदें क्या हैं। तो होप्स का इक्विवेलेंट वर्ड यहाँ पर जो है वो है एस्पिरेशंस। तो एस्पिरेशंस, आइडियल, एम्बिशन और होप्स, ये सारे इक्विवेलेंट वर्ड हैं, तो इसलिए एस्पिरेशंस कहना यहाँ पर एकदम सही होगा। हिज होप्स एंड एस्पिरेशंस, आइडियल एंड एम्बिशंस विल स्टिल रिमेन विद हिम। और 176 में हम ऑप्शंस देखते हैं। 176 में टायरेनियन ऑपरेशन कैन द लवर ऑफ लिबर्टी, जो आज़ादी का दीवाना है, जिस समय आज़ादी के दीवाने थे, जिस समय हमारी आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, उस समय टायरेनी और ऑपरेशन बहुत किए जाते थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर हम शायद ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी अत्याचार या टायरेनी उसको लवर ऑफ लिबर्टी को दबा नहीं सकती, ये हम शायद बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी के इक्विवेलेंट यहाँ पर हम वर्ड रखना चाहेंगे। यहाँ पर हम ये नहीं बोल सकते कि 20% जो अत्याचार हैं वो लवर, वो लिबर्टी के लवर को दबा देंगे और बाकी के नहीं दबा पाएंगे। यहाँ हम शायद ये बोलेंगे कि कोई भी अत्याचार, ठीक है, लवर ऑफ लिबर्टी को दबा नहीं पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा आपका वो होगा नो। नो टायरेनियन ऑपरेशन कैन, 177 में हम ऑप्शन देखते हैं, कैन लवर ऑफ लिबर्टी, कोई भी अत्याचार। देखिए, जब हम किसी व्यक्ति के ऊपर, ब्रिटिशर्स की पॉलिसी क्या रहती थी कि जब वो अत्याचार करते थे, ऑपरेशन करते थे उनके ऊपर, ठीक है, तो उसका एक पर्पज़ क्या होता था, उसका पर्पज़ होता था कि जो आज़ादी के दीवाने हैं उनको, उनको डराना, उनको धमकाना, ताकि वो अपना सिर नहीं उठा सकें। तो मेन पर्पज़ उनको रोकना नहीं होता था, मेन पर्पज़ उनको साइकोलॉजिकली डराना होता था, ठीक है। जैसे एक व्यक्ति को यदि हम फांसी दें 10 लोगों के सामने, तो 10 लोग साइकोलॉजिकली डर जाएंगे, वो इंटिमिडेट हो जाएंगे वो लोग। तो यही पर्पज़ रहता था ब्रिटिशर्स का, कि उनको बाकी के जो आज़ादी के जो दीवाने वो अपना सर नहीं उठा सकें और उनको इंटिमिडेट किया जा सके। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि नो टायरेनी और ऑपरेशन कैन इंटीमिडेट द लवर ऑफ लिबर्टी। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा इंटीमिडेट, इंटीमिडेट विल बी द करेक्ट आंसर हियर। और सारे आंसर्स को मैं आपको जस्टिफाई करके बता रहा हूँ कि किस तरीके से इन आंसर्स को करना है। द क्रुएलिटी ऑफ द ब्रिटिश, द ब्रिटिश मतलब ब्रिटिश के जो लोग थे, द ब्रिटिश एक प्लूरल नाउन है, द ब्रिटिश इसके पहले द लगा है, इसका मतलब हम यहाँ ब्रिटिशर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, द ब्रिटिश एक प्लूरल नाउन है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे द क्रुएलिटी ऑफ द ब्रिटिश, यानी 178 यहाँ पर आएगा, इंक्रीज द जील, जील का मतलब क्या होता है, उत्साह होता है। तो यहाँ पर हम अगर अंदाज़ा लगाएं तो ये बोल रहे हैं कि उसके जो अत्याचार थे, ब्रिटिशर्स के जो अत्याचार थे, उन्होंने तो केवल आज़ादी के दीवानों का उत्साह ही बढ़ाया। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा, ओनली, रेयरली, हार्डली, नैरोली। यदि आप सेंस निकालें तो रेयरली, हार्डली और नैरोली कोई सेंस नहीं बन रहा। यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि इसने तो, मतलब ब्रिटिशर्स की क्रुएलिटी ने तो केवल उनका उत्साह ही बढ़ाया। तो यहाँ पर हम बोलेंगे ओनली, द क्रुएलिटी ऑफ द ब्रिटिशर्स ओनली इंक्रीज द जील एंड। अब यहाँ पर आपको जील का एक इक्विवेलेंट वर्ड चाहिए। जील का मतलब होता है एकदम उत्साह होना किसी व्यक्ति के अंदर, ठीक है। और जील का इक्विवेलेंट वर्ड देखिए वॉन्ट, माइंड और डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन का अर्थ होता है भेदभाव करना, माइंड का अर्थ होता है दिमाग, वॉन्ट का अर्थ होता है इच्छा, डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ निश्चय। तो जील का जो इक्विवेलेंट वर्ड है वो है डिटर्मिनेशन। तो यहां पर आप लगाएंगे डिटर्मिनेशन, द जील एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द फ्रीडम फाइटर। नो प्रिजन, नो ऑपरेशन कैन एवर, मतलब कोई भी प्रिजन, कोई भी अत्याचार कभी भी, एंड एवर का मतलब है द इनविंसिबल स्पिरिट ऑफ मैन, जो अजय स्पिरिट है एक व्यक्ति के अंदर, जो आज़ादी के दीवाने के अंदर जो एक ना बुझने वाली जो स्पिरिट है उसको बुझाया नहीं जा सकता। तो यहाँ पर हम बोलेंगे नो ऑपरेशन कैन एवर लोअर द इनविंसिबल स्पिरिट। स्पिरिट को हम लोअर करते हैं, स्पिरिट को हम नीचे करते हैं किसी व्यक्ति की, यदि उसके अंदर भावना कम है, देशभक्ति की भावना कम है,
ठीक है, या देशभक्ति की भावना ज़्यादा है तो स्पिरिट को हम लोअर करते हैं या अपर करते हैं। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि उसकी उसकी जो देशभक्ति की जो स्पिरिट है, देशभक्ति की जो भावना है, उसको हम लोअर नहीं कर सकते। लोअर यहाँ पर एक वर्ब की तरह यूज हो रहा है। एक्सटिंग्विश जो होता है ये फायर के सेंस में यूज होता है, ठीक है। रिजेक्ट का मतलब किसी चीज़ को रिजेक्ट कर देना, ये यहाँ पर स्पिरिट के साथ रिजेक्ट वर्ड यूज नहीं होगा। और किंडल का अर्थ होता है जलाना, ये एक पॉजिटिव वर्ड है। यदि हम किंडल लिखेंगे यहाँ पर तो इसका सेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नो लिखा हुआ है। नो ऑपरेशन कैन एवर किंडल द इनविंसिबल स्पिरिट ऑफ मैन, मतलब कोई भी ऑपरेशन उसकी स्पिरिट को जला नहीं सकता। किंडल का अर्थ होता है आग जलाना, ठीक है। तो यहाँ पर लोअर जो वर्ड है वो एकदम सही होगा। तो इस तरीके से आपको क्लोज टेस्ट को सॉल्व करना होता है। कोई भी आप फीडबैक देना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर और इन ईमेल आईडी पर आप दे सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करें और इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी फ़ायदा हो। और यदि आप हमारा टारगेट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इसके रिगार्डिंग आप मुझसे नंबर पर बात भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। टिल देन बाय एंड हैव एन ऑसम डे। थैंक यू।